नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज मित्रों मैं हूँ नागौर में, जो विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय है। तो यहाँ पे कैसे देसी गोवंश और जो भी गोवंश है, और गोवंश ही नहीं, इवन जो निरी जीव है, जैसे वाइल्ड लाइफ भी होती है, उनकी भी जो घायल या एक्सीडेंट में है उनकी सेवा कैसे होती है और यहाँ पे कैसे कार्य होता है। तो मेरे साथ है यहाँ पे गौ चिकित्सालय के व्यवस्थापक श्रीमान दीपेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। तो आपका स्वागत करता हूँ पहले चैनल पे। चैनल के माध्यम से जितने भी देशवासी हैं उनका मैं विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जैसे जो गौ चिकित्सालय है, तो ये कब शुरू हुआ था और कितना टाइम होगा इसको शुरू हुए? मैं समस्त देशवासियों को बता देना चाहता हूँ, इस गौ चिकित्सालय की स्थापना 23 फरवरी 2008 को हुई थी। हाँ, तो ये मित्रों मैं आपको बता दूँ, ये अपने आप में एक अनूठा गौ चिकित्सालय है। हॉस्पिटल्स तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन गायों के लिए हॉस्पिटल और इतना वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल है, उसका मैं आज आपको भ्रमण करवाता हूँ दीपेंद्र सिंह जी के साथ। तो आइए चलते हैं। तो कल 13 साल पूरे करके 14वें साल में प्रवेश किया है। अच्छा। तो दीपेंद्र सिंह जी, सबसे पहले अपने जैसे कैंसर पीड़ित गोवंश ये सेक्शन आया है। जी, ये जो वार्ड है ये पूरा कैंसर का वार्ड है। अच्छा, इसमें जितने भी गोवंश हैं सब कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। हुक्म। क्योंकि कैंसर सिर्फ इंसानों में नहीं, प्रत्येक जीव में होता है। तो हमारे पास ये जो वार्ड है ये पूरा कैंसर का वार्ड है, जिसमें अलग अलग कैंसर के रूप हैं। हुक्म। जैसे गायों के अंदर जो सींग में कैंसर होता है उसको अपन हॉर्न कैंसर बोलते हैं। हुक्म। ज़्यादातर हॉर्न कैंसर का ही केस हमारे पास आते हैं। हुक्म। उसके बाद आँख में मिस्टेक हो गई, आँख का कैंसर हो जाता है। वेजाइना में भी कैंसर है। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के, मतलब शरीर के कई अंगों में, शरीर के कई अंगों में कैंसर है। तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा कैंसर का वार्ड है। हुक्म। और ये वार्ड इतना इफेक्टिव है कि अगर अपन यहाँ खड़े हैं, अगर हम इनकी एक समय भी ड्रेसिंग नहीं करेंगे तो अपन यहाँ खड़े नहीं रह सकते। इतनी जोरदार, इतनी बदबू आती है, गंदी बदबू पीक मारता है ये। अच्छा, इसलिए इनकी प्रॉपरली दोनों समय ड्रेसिंग की जाती है, इसलिए अपन यहाँ खड़े हैं अभी। मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ, मैंने भ्रमण किया तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कितनी बढ़िया साफ सफाई व्यवस्था है। और मतलब देखिए आप, जो भी गोवंश है यहाँ पे कितने आरामदायक, मतलब जो बालू रेत बिछाई हुई है, ऐसा नहीं कि चाहते तो पक्का भी बना सकते थे, लेकिन उनके कम्फर्ट के लिए बालू रेत और कहीं पे भी आपको गोबर नज़र नहीं आएगा, एकदम सूखा आएगा। उनके लिए हरे चारे और सूखे चारे दोनों की व्यवस्था की गई है। और सामने आप देख रहे हैं जो ड्रेसिंग वगैरह, जहाँ जिस अंग में उनको कैंसर हुआ उनकी ड्रेसिंग और उनका जो प्रॉपर उपचार किया जाता है। यहाँ पे जो मुख्य पार्ट है वो सिर्फ स्वच्छता का है। हुक्म। क्योंकि स्वच्छता जहाँ है, हुक्म, वहीं पे बीमारियाँ हैं वो कम पनपेगी। हुक्म। और जहाँ पे आज अपन देखते हैं कि इंसानों के हॉस्पिटल में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे गुटके की पीक से वो हॉस्पिटल भरे हुए रहते हैं। हुकुम, हुकुम। लेकिन अपने यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, 450+ कर्मचारी काम कर रहे हैं। हुकुम। एक भी स्टाफ है वो नशा करने वाला नहीं है, और नशा करने वाले को न इस गौ चिकित्सालय में एंट्री दी जाती है। तो और पूरे परिसर में भी आपको कहीं पे कोई भी बीड़ी सिगरेट गुटखा जर्दा किसी प्रकार का कोई नशे का सामान आपको इस परिक्रमा मार्ग में नहीं दिखाई देगा। और जो यात्री आते हैं बाहर से देखने के लिए, उनका भी हम अपने प्रवेश द्वार के ऊपर उनको मना कर देते हैं कि अपने यहाँ इस परिसर के अंदर गुटखा, बीड़ी सिगरेट, जर्दा ये सब मना है। तो वो भी हमारी इन भावनाओं को समझते हैं और हमारा पूरा सम्मान के साथ इस चिकित्सालय की व्यवस्था में सहयोग करते हैं। आप दीपेंद्र सिंह जी, अभी अपन कौन से वार्ड में आ गए हैं? ये जो वार्ड है ये पूरा 3 पैर वार्ड है। अच्छा, इस वार्ड में जितने भी गोवंश हैं सब 3 पैर हैं। आप किसी भी गोवंश को देख सकते हैं, सभी 3 पैर है। 3 पैर ये जन्म से नहीं है। सड़क किनारे ये क्या दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिसमें इनके पैरों की हड्डियाँ हैं वो का चूरा हो जाता है और जो नसें हैं वो कट जाती है। उस कंडीशन में इनका भविष्य नहीं बिगड़े, इससे उनको यहाँ लाया जाता है और समय रहते इनका ऑपरेशन करके इनको 3 पैर कर दिया जाता है, ताकि ये आराम से खड़े हो सकते हैं और अपना चारा पानी कर सकते हैं। और हमारे यहाँ प्रत्येक गोवंश को एक समय सारणी के अनुसार ही चारा बांटा सब दिया जाता है। मैं ये बताना चाहूंगा मित्रों, सामने मैंने भी पढ़ा है पूरा मेनू है हमारे, मतलब ये जो यहाँ कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए शेड्यूल फिक्स है कि जब इन बीमार गोवंश को कब चारा दे, कब पानी दे, कब उनको बांटा यानी कैटल फीड खिलाए, तो मतलब एक पूरा टाइम टेबल से काम। क्योंकि सारे दिन खाना ही खाना पशु का काम होता है। हुक्म। लेकिन उनको प्रॉपरली एक, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को
दवाई डिवाइड करते हैं उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे इनको पूरा पार्टीशन में रखते हैं, बांटा कब देना, चारा कब देना, पानी कब पिलाना, जैसे गर्मी में 3 बार पानी पिलाना है, सर्दी में 2 बार पिलाना है, ऐसे पूरा शेड्यूल के हिसाब से काम चलता है इतना बड़ा हुक्म। और ये फिटकड़ी इनकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए फिटकड़ी का काम। अच्छा, फिटकड़ी या सेंधा नमक? हाँ, ये फिटकड़ी है। फिटकड़ी है। और इनको हम देश की फिर गौशालाओं में छुड़वा देते हैं इन गोवंश को। अच्छा, मतलब जैसे यहाँ से ठीक हो जाएगा तैयार हो जाए तो तैयार होने पर अलग अलग गौशाला, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता इलाज के सेवा में। अगर कोई स्वेच्छा से देता है तो वो अगले की खुशी है। बाकी यहाँ का सिस्टम बना हुआ है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2500 गोवंश हैं, जोधपुर में 1000 के आसपास हैं, तो यहाँ का शेड्यूल बना हुआ है कि एक बीमार लाओ और एक तैयार ले जाओ। अच्छा, अगर आप बीमार के बदले में तैयार नहीं लेके जाते हो तो उसकी 3500 रुपये की रसीद काटी जाती है। अच्छा। वो इन 3 पेयर गोवंश की काटी जाती है क्योंकि इन गोवंश को हम देश की अन्य गौशालाओं में शिफ्ट करवाते हैं इस हिसाब से, तो उन गौशालाओं को 2100 रुपये का हम देते हैं, 1000-1200 रुपये का गाड़ी का चार्ज कट जाता है। तो मित्रों, मैं ये बता दूं कि जो नागौर के आसपास के कई सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र में है, तो जैसे कोई भी बेसहारा गोवंश मतलब रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सिर्फ आप सूचना दे दें कि फला फला जगह पे घायल गोवंश पड़ा है, तो वहाँ से यहाँ तो गो चिकित्सालय की एम्बुलेंस जाती है और वहाँ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं। तो दीपेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि अपने प्रेजेंट टाइम अभी गो एम्बुलेंस कितनी है अपने? जी, अपने नागौर और जोधपुर दोनों जगह मिला करके 18 एम्बुलेंसें कार्य कर रही है। एम्बुलेंस है जो महिंद्रा पिकअप गाड़ियाँ, महिंद्रा पिकअप माइक्रो गाड़ियाँ हैं। अच्छा, वो है। और कंट्रोल रूम के बारे में आपकी व्यवस्थाएं मैं आगे बताऊँगा आपको पूरी।